नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आपका स्वागत करता हूँ बली गांव के अजनाब टोला गांव है वार्ड नंबर 1 इसके अंदर मैं आया हूँ। और यहाँ पे एक स्कूल ऐसा है जहाँ पर कुछ बच्चों को देखा गया है स्कूल के अंदर काम करते हुए। क्या तो आपको बताते हैं कि गड्ढे भरते हुए और भी चीज़ें देखने के, वीडियो में हमने पहले भी दिखाया था और फिर से दिखाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे हम स्थानीय लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि वो क्या कहते हैं इन बच्चों के बारे में और टीचरों के बारे में। तो सबसे पहले क्या देखा आपने स्कूल के अंदर, एक बार बताइए। इधर देखिए, ये इधर देखिए, आप नहीं देख रहे बाबा, आपको कुछ बताइए। हम आ जाओ तो नहीं। अच्छा अच्छा बाबा, आप कुछ जानते हैं स्कूल के बारे में? बूढ़े हो गए हैं। चलिए, ये लोग तो कुछ बोल नहीं पा रहे, हम चलते हैं और देखते हैं स्कूल में, मैडम से कुछ पूछते हैं उनका हाल चल क्या है। चलिए, तो स्कूल है और जाके हम ये देख लेंगे और जाने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ खास है और क्या। तो चलिए हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे किस तरह से क्या और किस। अरे यहाँ आप लोग देख सकते हैं कुछ बच्चे बाहर खेल रहे हैं और अभी हम जा रहे हैं अंदर स्कूल के, दिखाते हैं आपको। कोई है? कोई है इधर? बुलाइए तो बाहर, बुलाइए बाहर। नमस्ते मैडम जी, सर कुछ नहीं, आप लोग जो सवाल पूछ रहे हैं। क्या हम टीवी चैनल से आए? अरे आप लोग इस बारे में कुछ सवाल पूछ रहे हैं? कुछ नहीं, मतलब एक वीडियो वायरल हुआ आपके स्कूल का, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आपके स्कूल में बच्चों से काम करवाया जाते हैं? काम नहीं, काम था काम है भाई, उसको ब्लॉक किया है। मतलब यहाँ के लड़कों ने वीडियो भेजा था? हाँ, न्यूज है पूछे हैं तो कहा कि मैंने कुछ किया। मतलब कैमरा ऑन कीजिए। अरे कैमरा ऑफिस से कैमरा ऑन नहीं होगा, कैमरा ऑन गलती हुआ ना। देखिए, माँ बाप बहुत मेहनत से बच्चों को पढ़ाने लिखाने की स्कूल भेजता है, आप समझ रहे हैं? आपके भी बच्चे स्कूल के अंदर आ गए हैं, आप थे ना, ये सब गलती नहीं करते, थोड़ा लेट भेजा लेकिन मजदूरों को बुला के काम करवाना चाहिए। हमसे गलती हो गया है, गलती स्वीकार कर आगे से ये चीज सुनने नहीं, 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 नहीं मिला। और किसी भी मीडिया वाले को और किसी भी पुलिस वाले को यह हक नहीं कि कोई चीज ठीक करे। हम कोई गलत चीज थोड़ी, किसी को मैसेज देंगे तो अच्छा मैसेज है, यदि हमें गलत मैसेज मिलेगा ये बोलेगा बार बार हमें आना पड़ेगा ना भैया, हम अकेले कैसे आएंगे? ठीक है, चलिए। तो आप लोग भी सतर्क रहिए और बच्चे लोग, आप लोग और मैडम जी आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैडम जी चलिए कोई बात नहीं सर, हम बस यही चाहते हैं कि बच्चों के साथ ऐसा नहीं था। हम लोग भी बड़े हुए हैं और स्कूल में इतना सब कुछ काम करते, कोई नहीं तो आप लोग देखिए कि हम लोग कुछ नहीं करते थे। अभी पढ़े हैं, मैं पढ़ा हूँ, अब नहीं कुछ किए हैं। अरे मतलब ये सब थोड़ी हम कुछ किए हैं, ये थोड़ा बहुत हम लोग किए हैं। अच्छा, अच्छी बात है, मतलब कि आप किए हैं तो करवाएंगे, हाई फाई हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए ठीक है, देखिएगा स्कूल अपना है, इसको बनाए रखना है, बच्चे भी अपने हैं, इनको कुछ अच्छा सिखाना है। चलिए ठीक, बंद करिए और बाहर चलिए। चलिए आप नहीं, अब चलिए बाहर, चलिए चलिए। तो आपको दिखा रहे कि यहाँ पे देखिए बहुत बुरे तरीके से जो स्कूल है, यहाँ पे कोई भी इसका लगता है कि माँ बाप नहीं है, यहाँ पे जो लोग हैं सरकारी जो लोग कहे जाते हैं, यहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था नहीं, जिसे देख रहे हैं स्कूल का हालत। यहाँ पे स्कूलों का नाम मिटा हुआ है, बाहर का देखिए ना, यहाँ पार्क है ना गार्डन है, बाहर के जो टॉयलेट है वो टूटे हुए काफ़ी ज़्यादा। और मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब चीज़ गलत है बहुत ज़्यादा, लेकिन जो स्कूल का हालत है वो स्कूल का हालत नहीं होना चाहिए। कैसा ढाल रहा है हम बनाए। देखिए कि स्कूल को दिखाने को लेकर कैसे ये बंदर, यहाँ कोई रेख देख नहीं होता है। मैं उन छोटे छोटे नहीं, उन बड़े लोगों से भी आराम से और प्यार से कहना चाहूँगा कि आप लोग, ये स्कूल आपका है, ये बच्चे आपके हैं, तो इनको देखे सुधार, देखिए किस तरह से स्कूल है ये पूरा, और ये आप ही का स्कूल है, बच्चों के लिए है यहाँ बनाया गया। तो सच में यहाँ ऐसा शुरू कीजिए जिससे बच्चों को और लोगों को, इसके अंदर क्या ये गोबर रखा जा रहा है, देखिए गोबर है, मानिए यहाँ पे बच्चों को यदि खाना बनता है तो उसके लिए ये थोड़ा साफ सुथरा होता है, अभी छतें हैं जो कि कभी भी गिर सकती है बच्चे पड़े, पूरे छत के अंदर दरार आया हुआ है जो कि आप देख पा रहे हैं, पूरे छत के अंदर देख रहे हैं कुछ ऐसी स्थिति। आइए बाहर से कुछ और चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। गड़ाया ही था जो भराया है, समय पहले जो सर आपने वीडियो देखा था जो कि कुछ बच्चों ने भेजा था हमारे न्यूज चैनल पे, तो ये शायद यही का था।
तो मास्टर जी से हमने बात किया तो उन्होंने उसके लिए सॉरी बोला, अगली बार ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे वो। और बस ये था कि उनको कुछ सिखाना था बच्चों को, उसको लेके उन्होंने बस बात किया था, बस यही। और आज की वीडियो दोस्तों हम इतने पे ख़त्म करते हैं। बाकी आपको चाहेंगे आप अपने बच्चों को और टीचरों को, जो टीचर और स्कूल में ये सारे कार्य करते हैं वो ना करें तो उनके लिए अच्छा है, क्योंकि जो भी हम बच्चे लोगों को स्कूल भेजते हैं तो सिर्फ पढ़ने के लिए भेजते हैं, और सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, कुछ और करने के लिए। यदि स्कूल में दिखाना भी मिलता है तो टीचर लोग ये और जो दाई माँ रहती है उनका यह हक बनता है कि वो बच्चों को टाइम पे खाना खिलाए या जो भी करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर हम एक नए वीडियो में मुलाकात करते हैं कुछ ऐसी ही नई बातों पर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।